ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, सब बढ़िया चल रहा है आप सभी की जिंदगी के अंदर। एंड आज की रीडिंग में आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है। आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है आपको पता है ना? फुल मून आ रहा है और ये फुल मून होने वाला है द ब्यूटीफुल पिंक फुल मून। फुल मून की खासियत मैं आप सभी लोगों से पहले शेयर करना चाहती हूँ, जब तक हम रीडिंग शुरू करेंगे उससे पहले। फुल मून की एक खासियत होती है कि फुल मून ना हमेशा एक सुपर एनर्जी लेकर आता है जो कि हमारी ज़िंदगी में एक स्ट्रांग इफेक्ट क्रिएट करता है। न्यू मून का इफेक्ट आपको बहुत कम देखने को महसूस होता है, कम आपको फील होता है, लेकिन जो भी फुल मून का इफेक्ट होता है ना, वो आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर भर भर के देखने को मिलता है। इसलिए जितने भी फुल मून्स होते हैं उनकी एनर्जी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड डेफिनेटली मैं हर महीने आप लोगों के लिए फुल मून के ऊपर एक सीरीज पॉजिटिव सी लेकर डेफिनेटली आती हूँ। तो आज की रीडिंग का क्या टॉपिक है? आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि ये जो फुल मून आ रहा है, जो कि होने वाला है 23 और 24 अप्रैल को, और वैसे भी 2024 में होने वाले जितने भी ओकेजन्स हैं वो बहुत कुछ हमारे जीवन में इफेक्ट डालने वाले हैं। तो ये जो फुल मून है ये आपके जीवन में क्या इफेक्ट डालने वाला है, आज की रीडिंग का टॉपिक यही होगा। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, आपको मैं थोड़ा सा पाइल सिलेक्शन के बारे में बता देती हूँ। तो पाइल सिलेक्शन की क्या एनर्जीज है, आपने क्या करना है, सिंपली अभी आपके पास में ना दो इमेजेस आएंगी फुल मून की ही। ये पिंक, क्योंकि पिंक फुल मून होने वाला है तो पिंक ही इमेजेस आएंगी आपके सामने। एक बहुत ही खूबसूरत सी इमेज होगी और दूसरी भी बहुत खूबसूरत सी इमेज होगी। तो आपने क्या करना है, जल्दी से उन इमेजेस में से किसी एक इमेज को पिक कर लेना है और वो इमेज होगी आपको जो लेकर के जाएगी कहाँ पर, आपके रीडिंग के पास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आपकी फर्स्ट इमेज के बारे में बता देती हूँ। सो फर्स्ट इमेज कैसी है, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर पानी है, यहाँ पर यू नो बर्ड्स हैं, दो बर्ड्स अलग से हैं, एक इधर है एक इधर है, और बहुत सारे बर्ड्स का बहुत सारी बर्ड्स उड़ रही हैं ऊपर। पिंक सी एनर्जी है, यहाँ पर ब्लू कलर भी है, पिंक कलर भी है और पर्पल कलर भी है। बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है, मतलब इस नज़ारे को देखते के साथ मेस्मराइज हो जाता है मन। और दूसरी अगर हम इमेज की बात करें जो कि पाइल नंबर टू है, पाइल नंबर टू वाली इमेज के अंदर आपको भर भर के माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, और माउंटेन्स के साथ साथ आपको वहाँ पर एक रैंप दिखेगा जिसके ऊपर लोग जा सकते हैं, और बहुत सारा स्नोई सा फॉगी सा आपको सरफेस दिखने वाला है। और यहाँ पर भी फुल मून की एनर्जी है, तो आपने क्या करना है, आप इतनी देर से मेरी बक 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 सुन रहे हो, तो आपने ये करना है, जल्दी से इनमें से कोई एक इमेज पिक कर लीजिए। ये इमेज आपको लेकर जाएगी आपकी रीडिंग के पास। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे आज की रीडिंग का क्या टॉपिक है। आज की रीडिंग का टॉपिक है फुल मून। ये फुल मून आपके जीवन में कौन से बदलाव और गिफ्ट्स लेकर आ रहा है, आपके जीवन में कौन सी पॉजिटिव एनर्जीज और इफेक्ट्स देने वाला है, इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। पाइल्स को इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि रीडिंग के दौरान मैं आपको आपके बिहेवियरल पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी, ताकि आप समझ सकेंगे कि आप ही की रीडिंग है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आज की रीडिंग जो है आप लोगों को कितना कुछ पॉजिटिव दिखाती है। कमेंट में मुझे 111 लिखना ना भूलें फॉर अफर्मिंग दिस रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लव यू ऑल। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, और आपने जिस इमेज को पिक किया था वो इमेज अभी हाल फिलहाल आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा नज़ारा है, मतलब इस इमेज को देखते के साथ ही आई वॉज लाइक मेस्मराइज। मैं इस इमेज को देखते के साथ ही इतनी पीस और इतनी शांति मैंने महसूस करी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे देखिए वाटरी एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत सा ग्रास लैंड है, और एक पिंकी एनर्जी है, बहुत ही पिंकी एनर्जी जिसके अंदर थोड़े से ब्लूइश एलिमेंट्स भी हैं। आई होप सो यू गाइज नो अबाउट द चक्रास और चक्रास किस तरीके से वर्क करते हैं, और चक्रास की एनर्जी आखिरकार है क्या क्या, उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको पता होगा। नहीं भी पता है तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर पिंक ब्लू पर्पल
तीन कलर की एनर्जीज हैं और ये तीनों की तीनों एनर्जीज ना कुछ कुछ डिफरेंट हमें बता रही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और आई होप आपने इंट्यूटिवली अच्छे से पिक किए होंगे कार्ड्स, और अगर आपने इंट्यूटिवली पिक नहीं भी किए हैं तो भी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको आपके व्यक्तित्व के बारे में डेफिनेटली बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आज जो है आपके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी एनर्जीज कैसी हैं, और फिर उसके बाद जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि ये जो खूबसूरत सा फुल मून आ रहा है, ये फुल मून, ये द ब्यूटिफुल पिंक फुल मून आपके जीवन के अंदर कौन से गिफ्ट्स लेकर आ रहा है, कौन सी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होंगी, कौन से गिफ्ट्स आपको मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। ओके, सो वी हैव टू जंप कार्ड्स, दो जंप कार्ड्स निकले हैं हमारे पास यहाँ पर, एक कार्ड और मैं निकालूंगी। एक और निकाल लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर जस्टिस। इसका मतलब आप लोगों का व्यक्तित्व किस तरीके का है कि आप टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं, टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको 70 बिलों में घुस करके और फिर कुछ निकाल के बाहर किसी के सामने प्रस्तुत करना नहीं पसंद। यू आर टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक जस्टिस गिवर पर्सन हैं आप। आप हमेशा लोगों को सुनते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको जो सही लगता है ना वो आप मुंह पे बोलते हैं, आपके मन में इस तरीके के कोई भाव नहीं है कि इस बंदे को मैं बाद में बताऊंगी या बाद में समझाऊंगी। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दर्शा रहा है भरपूर मेहनत और एक फैमिली का सपोर्ट या फैमिली को सपोर्ट करना। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि एक साथ रहने पर या इकट्ठे रहने पर अपनी ताकत महसूस करते हैं, ठीक है। आपको न्यूक्लियर फैमिली कम और संयुक्त तो परिवार ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है, पाइल नंबर वन पीपल। मोर ओवर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है मुझे एक चीज़ और दिखा रहा है यहाँ पर, वो है कि एकता वाली एनर्जी, ठीक है, कि एकता, एकजुट रह करके कितना कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप। इस चीज़ के ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं, ये मुझे फील हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके घर परिवार की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके आसपास जो रहते हैं लोग उनकी बहुत सारी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप किसी भी काम को करने से पहले 4 बार सोचते हैं। आप एक ऐसे इंसान नहीं है जो झटपट किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन ले लिया और आगे बढ़ गए, दिस इज़ नॉट योर टाइप। आप इंतज़ार करते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, उसके बाद आगे बढ़ करके एक्शन लेते हैं, दिस इज़ योर टाइप। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि 24/7 आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, दिमाग में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ आपके हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर है मून का कार्ड। आपके व्यक्तित्व में धोखेधड़ी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप जैसे को तैसा देने में बिलीव रखते हैं, जो कि कार्ड मैंने यहाँ पर बताया भी था, ठीक है। जस्टिस का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि जो आपके साथ जैसा व्यवहार करेगा ना, आप उसको बिल्कुल वैसा का वैसा ही गाइड करने वाले हो। यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट पोटेंशियल। जो जैसा करेगा मेरे साथ में वो बिल्कुल वैसा का वैसा भुगतेगा, वो वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो ये थे आपके एनर्जेटिक फॉर्म्स जो मैंने आपको बताए। चलिए आप शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई इससे आप कई हद तक समझ गए होंगे कि आप ही की रीडिंग है या किसी और की रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि ये जो खूबसूरत सा पिंक फुल मून आ रहा है ये आपके जीवन में किस तरीके से, कौन से प्यारे बदलाव लेकर आ रहा है, मोर ओवर ये आपको कौन से प्यारे गिफ्ट्स देगा, ठीक है। क्योंकि हर फुल मून हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरी करता ही करता है, राइट। तो आइए देखते हैं कि ये जो फुल मून है, द ब्यूटिफुल पिंक फुल मून, ये आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। मैं पहले थोड़े से कार्ड्स निकाल लेती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्किप कर देना चाहिए वीडियो तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट रीडिंग आपने पूरी देखनी है समझने के लिए।
पहला कार्ड है यहाँ पर 10 of Cups, दूसरा कार्ड है यहाँ पर 9 of Cups, वाओ, तीसरा कार्ड है यहाँ पर 6 of Wands, क्या बात है। फिर है हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 of Pentacles, एक कार्ड और लेंगे यहाँ से, जस्टिस, क्या बात है, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, कप्स की ऊर्जा बहुत है, मतलब वाटर साइन की जो ऊर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छे तादाद में है, मैं यहाँ पर वो ही महसूस कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी खासी तादाद में है यहाँ पर कप्स की ऊर्जा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको म्यूज़िक बहुत पसंद है और जो कि बहुत ज़्यादा फूडी हैं, डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स पसंद है आपको। यहाँ पर है कार्ड नंबर 10, द सप्रेशन, ये आपके रचनात्मक भावों को भी दिखाएंगे ये कार्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो, स्ट्रेस, और है यहाँ पर द सोर्स। बॉटम ऑफ द डेक पास्ट लाइव्स, ओके ठीक है। कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक इन करेंगे, पहले हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर कप्स की ऊर्जा बहुत है, यानी कि हो सकता है आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं या तो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की जो अभी ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा फ्लोई चल रही है, बहुत ही ज़्यादा बह रहे हैं आप, ठीक है, ऊर्जाओं में आप बहुत ज़्यादा अभी हाल फिलहाल बह रहे हैं, आप अपने कंट्रोल में नहीं हैं, आपके इमोशंस के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा बहते चले जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ। अब देखो इस फुल मून के टाइम पीरियड में ना आप लोगों की ऊर्जा कैसी रहेगी, आपके मन में जो भी आएगा ना आप वो साझा करेंगे लोगों से, आप बहुत ही ज़्यादा फ्लोई कंसिस्टेंसी में रहेंगे, ठीक है, मतलब जो भी मन में आ रहा है वो ज़बान पर है, सब कुछ कह देना, कुछ भी मन में नहीं रखना और क्लियर कर लेना, हर बात क्लियर कर लेना। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो अपने मन के अंदर रखते हैं अपनी बातों को और लोगों से कहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त इस फुल मून की एनर्जी की वजह से आप लोग बिल्कुल फ्लोई रहने वाले हैं। या तो वहाँ पर ब्लू कलर था कार्ड के अंदर, अगर आप लोगों ने देखा हो ब्लू कलर था उस इमेज के अंदर, जो कि दर्शा रहा था, ब्लू कलर सिंबलाइज करता है आपके थ्रॉट चक्रा को, दैट मीन्स आपका कंठ चक्र, आपका कंठ चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहने वाला है, पाई नंबर 1 पीपल, और आपके कंठ चक्र के एक्टिवेट रहने की वजह से आप अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं लेकिन बुरी चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी अभी यहाँ पे इस कार्ड्स के हिसाब से, ठीक है। नाउ व्हाट यू गाइस आर मैनिफेस्टिंग, भाई 10 of Cups का कार्ड है यहाँ पर। कप्स हमेशा इमोशंस को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाते हैं, दर्शाते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर क्या महसूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि कप्स यानी कि इमोशंस यानी कि लव यानी कि एक पॉजिटिव फैमिली का भाव। तो आप लोगों के जीवन में ये जो फुल मून है ना फैमिली इमोशंस और लव को लेकर के एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया था। अगर आप अपने किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ एक दूरी पर हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे होगा क्या, चाहे आप मैरिड है चाहे आप अनमैरिड है, डजेंट मैटर, या फिर आप एक सिंगल पर्सन भी हैं, आप अगर अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं, आई एम सीइंग 10 of Cups का कार्ड है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे और आप किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन से मिलेंगे जिसके साथ आप आगे आने वाले समय में अपनी फैमिली को बिल्ड करने की कोशिश करने वाले हैं। 10 of Cups की ऊर्जा मुझे यहाँ पर फैमिली की एनर्जी भी दे रही है और 10 of Cups की ऊर्जा मुझे यहाँ पर फैमिली बिल्ड करने की भी एनर्जी दे रही है। हो सकता है कि इस फुल मून के बाद आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए या ऐसे पर्टिकुलर पर्सन का आपको साथ मिल जाए जिसके साथ आप अपनी फैमिली को आगे बिल्ड कर सको या आप अपने आप को समेट सको, अपने आप को गैदर कर सको। नेक्स्ट है यहाँ पर 9 of Cups। अब कप्स की ऊर्जा वो भी 9 की एनर्जी में, इसका मतलब कंप्लीशन ऑफ इमोशन, यानी कि बहुत कुछ पॉजिटिवली कंप्लीट होने वाला है आपके जीवन में,
कंप्लीशन का मतलब यहाँ पर अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पर क्या एनर्जी देख रही हूँ आपकी, मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, एक स्ट्रांग ऊर्जा मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ कि आपके जीवन में इमोशन के नाम पर जिस भी चीज़ की कमी थी ना, अब वो फाइनली फुलफिल होने वाली है। अब देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कोई भी कंप्लीशन हो सकता है, ये कोई भी ऊर्जा हो सकती है, ये कोई विश हो सकती है आपकी जो एक अरसे से आपकी कंप्लीट नहीं हुई, फाइनली वो होने वाली है। नेक्स्ट आई एम सीइंग सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स द विक्ट्री कार्ड, और उसके साथ आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आप ऐसे बहुत सारे लोगों की जो है किस्मत चमकने वाली है इस दौरान, और आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी किस्मत का जो पहिया था, जो ठीक से रोटेट नहीं कर पा रहा था, ठीक से चल नहीं पा रहा था, फाइनली वो अब जो है ठीक से चल पा रहा है, ठीक से रोटेट हो पा रहा है और आपके जीवन में जीत आ रही है। ठीक है, लेकिन ये जीत कौन से फैक्टर से आ रही है, अगेन इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जीत आपकी होने वाली है आपके इमोशनल फैक्टर से, आपके फैमिली की तरफ से, लव की तरफ से, इमोशंस की तरफ से। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर के किसी तरीके का कोई टीम वर्क करने वाले हैं। एंड फाइनली वी हैव अ कार्ड ऑफ जस्टिस, यानी कि आपको न्याय मिलने वाला है। अगर आप परमात्मा से हमेशा पूछते रहते हैं ना कि मुझे न्याय कब मिलेगा, मेरे जीवन में सुख कब आएगा, मुझे न्याय कब मिलेगा, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनके साथ गलत कब होगा, तो मैं आपको ये कहूँगी कि न्याय आ रहा है आपके जीवन में। ये फुल मून आपके जीवन में न्याय लेकर आएगा। वैसे भी आपको मैं बता दूं कि जो पिंक फुल मून की एनर्जीज होती हैं, वो होती है कि आपके जीवन के अंदर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाना, न्यू बिगनिंग्स लेकर आना और किसी तरीके का कोई रिन्यूअल होना, यानी कि कुल मिलाकर के 100 बातों के एक बात कुछ नयापन। तो ये नयापन आपके जीवन में आ रहा है। इस नएपन के अंदर इमोशंस का जो बैलेंस है ना, वो बहुत स्ट्रांग होगा। आप अपने इमोशंस को बहुत पॉजिटिवली बैलेंस करते हुए अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपने प्यार को ढूंढ पाएंगे। 10 of cups फैमिली बन रही है, 9 of cups विश फुलफिलमेंट हो रही है, एंड द लव और इमोशनल फैक्टर जीत होने वाली है आपकी। आपका कोई किस्मत का जो पहिया था ना, वो फाइनली एक अच्छा जो है फॉरवर्ड गियर पकड़ रहा है। 3 of pentacles टीम वर्क के साथ मिलके आप अपनी फैमिली के साथ कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जहाँ आप इंजॉय करें। एंड जस्टिस का कार्ड है, आपको न्याय मिलने वाला है फाइनली एक लंबे अरसे के बाद। अब यहाँ पर देखिए क्या कार्ड्स हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि जो आपका थ्रोट चक्र है, अगर वो स्ट्रांगली एक्टिवेट रहेगा तो वो पॉजिटिवली कुछ अच्छी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करेगा और कुछ बुरी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करेगा। क्योंकि क्या होता है ना, क्लटर करते हुए, बैबल करते हुए लोगों को कम पसंद आते हैं, स्पेशली जब उनके सही की बात हो। अब आप एक चीज़ नोटिस करके देखो, जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई भी ऐसा वीडियो लेकर आती हूँ जिसके अंदर आपको कोई सीख मिले या आपके मिस्टेक्स के बारे में बात हो, तो वो वीडियो आप लोगों को इतनी पसंद नहीं आती, आप लोग उस वीडियो को इतना नहीं पसंद करते हैं देखना। ठीक है, और जैसे ही मैं कोई ऐसी वीडियो लेकर आती हूँ जिसके अंदर आपकी प्रशंसा है या आपका एप्रिसिएशन है, वो वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर बात है कि अगर जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को आईना दिखाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मन में कोई बात है जो आप किसी को कहना चाहते हो, अचानक से आपने वो मन की बात उस बंदे को कह दी, जो भी आपके मन में था, अच्छा बुरा उस व्यक्ति के प्रति कि आप ऐसा गलत कर रहे हो या आपको ऐसा करना चाहिए कुछ भी, तो वो बंदा क्या होगा ना कि फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, अरे ये ऐसे कैसे कह रहा है मेरे बारे में। बिकॉज लोगों को आईना दिखना, यानी कि अपनी गलतियां देखना बहुत डिफिकल्ट लगता है, लोग अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है सेपरेशन का कार्ड, जिसकी वजह से आपकी किसी के साथ लड़ाई हो सकती है इस फुल मून के दिन, या जब तक न्यू मून अब नहीं आ जाएगा तब तक, ये जो 15 दिन रहेंगे। स्ट्रेस का कार्ड है, इसकी वजह से आपको छोटा मोटा स्ट्रेस हो सकता है, छोटा मोटा, बड़ा नहीं देख रही हूँ मैं। ठीक है, बाकी आप बहुत ही ज़्यादा गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने वाले हैं। एक न्यू विजन के साथ आप अपनी ज़िंदगी को देखने वाले हैं और सोर्स से कनेक्ट होंगे, यानी कि प्रभु से कनेक्ट होंगे आप इस फुल मून के टाइम पीरियड में। ठीक है, नाउ लेट मी चेक। अ वन पॉजिटिव शिफ्ट जो आपकी ज़िंदगी में आएगा आफ्टर दिस फुल मून, वैसे तो मैंने एक ये चीज़ नोटिस कर ही ली है, आपके लिए बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं इमोशंस को लेके। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस इकलौता ऐसा मेजर अरकाना है जो हमेशा ये बयां करने की कोशिश करता है कि काट दो उन सारी नेगेटिविटीज़ को,
और अपने जीवन में लेकर आओ भर भर के ऊर्जा। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं वही एनर्जी मुझे शो कर रहा है कि आपके जीवन में ना ये फुल मून एक ऐसा बदलाव लेकर आ रहा है आपके थ्रोट चक्रा को, आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करके, कि आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहेगी कि जो मेरे लिए सही है उसको मैं रखूँ, जो मेरे लिए सही नहीं है उसको मैं बाहर से फेंक दूँ, मैं उसको भगा दूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड आप अपने इमोशंस को बहुत प्यार से, बहुत एहतियात के साथ अपनाने वाले हैं। नाउ लेट मी चेक, इसके अलावा और क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ओके, वी हैव अ थ्री कार्ड्स हियर, टू कार्ड्स हियर। फर्स्ट है भर भर के करेज, जो कि आ ही रहा है, और ढेर सारा वाला पैशन। एक कार्ड और देख लेते हैं, यहाँ पर है क्लैरिटी, यानी कि आप अपने जीवन में क्लैरिटी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फुल मून। तो ये फुल मून आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहेगा, क्योंकि ये जो फुल मून है ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर आपके इमोशंस, आपकी लव लाइफ और आपकी फैमिली से रिलेटेड चेंजेस लेकर आ रहा है। नाउ लेट्स चेक एडवाइजेस। एडवाइजेस है कि ये समय है कि अब आपने अपने लिए एक्शंस लेना है और एक्शन से पीछे नहीं हटना है, फर्स्ट मूव्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं। यहाँ पे भी देखो पिंक मून है, वाओ, सो दिस इज़ द बिगेस्ट कन्फर्मेशन फॉर यू गाइज। आप लोगों के लिए एक बड़ी कन्फर्मेशन है ये, द डिवाइन इज़ देयर फॉर यू। और ये वीडियो एक्चुअली आपको मिली है, इसका मतलब है कि प्रभु चाहते हैं कि आप इस चीज़ को फील करें, देखें और आगे बढ़ें। अच्छा, एक चीज़ आपको किस चीज़ से थोड़ा सा इस फुल मून पे परहेज करने की ज़रूरत है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने फियर्स को ना इग्नोर कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक दिस किंग इज इग्नोरिंग दिस फियर, उधर मुंह करके बैठा हुआ है। तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि अपने ना थोड़े से फियर को इग्नोर करने की कोशिश करना, ठीक है, इन दिनों अपने फियर को इग्नोर करने की कोशिश मत करना। आपका जो भी फियर है ना, आपके मन में जो भी डर है, जिस भी तरीके की कोई नेगेटिविटी है, उसको आपने देखना है, उसकी आँखों में आँखें डालनी है। Be bold and make first move and it's time to take action. Simply action लो। So this full moon is creating big beautiful changes in your love life and in your emotional life and in your family life. तो prepare हो जाइए इस चीज़ की energies को manifest करने के लिए। इस video को like कीजिएगा, channel को subscribe कीजिएगा और comment में 111 yes लिखना ना भूलें to manifest this reading. चलिए जल्दी मिलेंगे एक और नई reading में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को happy full moon. Hi to all my beautiful pile number 2 people. कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो और आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारी प्यारी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस। तो आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है? आज की रीडिंग का टॉपिक है पिंक फुल मून, जो कि आ रहा है। और ये पिंक फुल मून आपके जीवन में कौन से बदलाव और कौन से गिफ्ट्स लेकर आ रहा है, कहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है, कहाँ पर डल रहने वाला है, यानी कि कौन से एस्पेक्ट में, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपको आपके जीवन में क्या पॉजिटिव एनर्जीज मिलने वाली है, क्या आप ग्रेस्प करने वाले हो बहुत ही हैप्पी अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। सो मैं यहाँ पर ना आई होप कि आपने इंट्यूटिवली उस इमेज को पिक किया होगा, लेकिन अगर आपने इंट्यूटिवली उस इमेज को पिक नहीं किया है या बस जस्ट रैंडमली कर लिया है तो भी कोई बात नहीं। आई कैन टेल यू अबाउट योर एनर्जीज। मैं यहाँ पर आपको आपका थोड़ा सा बिहेवियर बताऊंगी ताकि आप इस चीज़ को समझ सकेंगे कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको ना कुछ आपके बिहेवियरल इम्पैक्ट्स बताने वाली हूँ। अगर वो बिहेवियरल इम्पैक्ट्स आप लोगों से रेजोनेट हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, तो आपने इस रीडिंग को आगे देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है। ठीक है,
बॉटम ऑफ द डेक है डेथ का कार्ड। इसका मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जो चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। आप किसी भी चीज़ को, चाहे फिर वो कोई गम हो, चाहे वो कोई खुशी हो, उसको ना बहुत ही अस्थाई रूप से देखते हैं। आपके दिमाग में कभी भी ये चीज़ नहीं होती है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर चीज़ है तो वो एक लंबे अरसे तक आपके पास रहेगी। यू गाइज आर वेरी न्यूट्रल, आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड इंसान नहीं है, आप एक न्यूट्रल पर्सन हैं, आप एक बहुत ही न्यूट्रल किस्म के इंसान हैं जिसको अपनी लिमिट्स, अपनी एनर्जीज और सब कुछ अच्छे से पता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई खुशी आती है ना तो आप उसको दोनों बाहों से एक्सेप्ट करते हो और सेम आप ऐसा ही रिएक्ट करते हो अपनी हर नेगेटिविटी के साथ भी। आप अपने फ्लॉज को, अपनी परेशानियों को, अपने अवगुणों को एक्सेप्ट करते हो, उनको सुधारने की कोशिश करते हो। आपको अगर कोई आईना भी दिखाए ना तो आप ऐसे इंसान नहीं हो कि जो इरिटेट हो जाओगे और एक्सेप्ट नहीं करोगे। यू हैव अ स्ट्रांग एक्सेप्टेंस, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज भर भर के हैं, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान है जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत है, आप लोगों को डील करना जानते हैं, आप लोगों को हील करना जानते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं जिनके अंदर हीलिंग कैपेबिलिटीज हैं। आप अपने आप को तो हील करते हैं जो करते हैं, आपके अंदर मास्टर होने की एनर्जी है, आप लोगों को भी डील करते हैं संभव, ठीक है। आप अपने हो सकता है घर के अंदर बड़े हैं और आपके जो घर वाले हमेशा आपको हर काम के लिए टोकते हैं और आप हमेशा अपने घर वालों को हर काम के शुरू होने से पहले कोई ना कोई वार्निंग ज़रूर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप आपकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है और फिर बाद में जब बातें हो जाती है ना उसके बाद में लोग आ करके आप ही को बोलते कि अरे यार आपने तो बिल्कुल सही कहा था, अरे तू तो बिल्कुल सही कह रही थी, अरे तू तो बिल्कुल सही कह रहा था। ऐसी एनर्जी आपके साथ होती होंगी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स दूसरा कार्ड है यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स। आप हर दिशा में जब भी आगे बढ़ते हैं आपके दिमाग में हमेशा एक प्लानिंग होती है। आप विदाउट प्लानिंग किसी भी तरीके के काम को करना पसंद नहीं करते हैं। पाइल नंबर टू पीपल, आप लोगों की एनर्जीज के हिसाब से यू आर अ वेरी गाइडेड स्पिरिचुअल एक हैप्पी पर्सन, ठीक है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आपको पता है कि आपको अपनी लिमिट्स को कभी भी क्रॉस नहीं करना है और आप हमेशा हर काम एक प्लानिंग के साथ करते हो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द ब्यूटीफुल फूल। आप अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप ईश्वर के ऊपर बहुत भरोसा करते हो, आप अपने ऊपर बहुत भरोसा करते हो। आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आप जो है ना कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर नेगेटिवली हारेंगे नहीं और परमात्मा कभी भी आपको हारने नहीं देंगे। आपका जो विश्वास है ना वो परमात्मा पे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर है सन का कार्ड, दैट मीन्स कि हमेशा हर सिचुएशन में आप खड़े रहते हैं, हमेशा हर सिचुएशन में आप जो है आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं। वही चीज़ अगेन द सेम थिंग, आप किसी भी पैटर्न को ना बार बार रिपीट करना पसंद नहीं करते। हर बार हर सिचुएशन में आप एक ही तुनतुना बजाना पसंद नहीं करते। आप हमेशा, जैसे कि होता है ना कि हम एक ही जोक से बार बार नहीं हंस सकते, ठीक है। दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीन, चौथी बार वो जोक हमें हंसाएगा नहीं, वो जोक हमें बहुत ही ज़्यादा पीजे लगेगा, पकाऊ जोक, ठीक है। तो उसी तरीके की एनर्जीज है यहाँ पर कि आपको ना कोई भी दुख, तकलीफ या कोई भी हैप्पीनेस बार बार ना खुश कर सकती है, ना बार बार दुखी कर सकती है। यू आर वेरी न्यूट्रल, वेरी काम पर्सन, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जीज। अगर ये जो एनर्जीज मैंने आपको बताई हैं ये आपसे रेजोनेट हुई हैं, आपसे मैच हुई है, तो इस रीडिंग को आगे और देखिए। अदरवाइज आप एक बार पाइल नंबर वन और पाइल नंबर थ्री को चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों से रेजोनेट हो गया है, अब हम शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। पाइल नंबर टू पीपल, द पीपल हु चूज दिस ब्यूटिफुल इमेज। ये बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी इमेज थी और आपने देखी होगी इस इमेज को। ये इमेज इतनी सुंदर और खूबसूरत थी। इस इमेज के अंदर क्या था, इस इमेज के अंदर मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, इस इमेज के अंदर बहुत ही प्यारा सा एक ब्रिज है, माउंटेन्स हैं जो कि ब्लैक और वाइट कलर में है और बहुत ही खूबसूरत सा फुल मून है। आपको पता है ये चीज़ क्या शो कर रहा है, और सी की एनर्जी है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ढेर सारे स्ट्रगल के होने के बावजूद भी मन में एक तरीके का ऐसा हौसला,
जो कि इंसान को अपने डर के ऊपर काबू पा करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके चलिए शुरू करते हैं। फाइव ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द टेम्परेंस, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और एक कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स। शिफ्ट इज कमिंग गाइस। बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ वॉन्ड्स। एक शिफ्ट आ रहा है आपके जीवन में। शिफ्ट कौन सा और क्या आ रहा है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बट अ शिफ्ट इज कमिंग। शिफ्ट इज कमिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। आई एम सीइंग पाइल नंबर टू पीपल, जिन्होंने पाइल नंबर टू को पिक किया है, जिनसे उनका बिहेवियरल एनर्जीज रेजोनेट हुई है, आप लोगों के जीवन में एक शिफ्ट आ रहा है। मुझे एक मिनट का समय दें, मैं कार्ड्स निकाल लूं ताकि गो विद द फ्लो, कॉन्शियसनेस, हार्मनी, माइंड। वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक एक्सपीरियंसिंग। पाइल नंबर टू पीपल, व्हाट इज कमिंग, क्या आ रहा है आपके जीवन में इस फुल मून के अंदर। अच्छा, पहले मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपके प्रेजेंट लाइफ के अंदर सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आप इमोशंस को लेके, प्यार को लेकर के या स्नेह को लेकर के किसी तरीके के डिसअपॉइंटमेंटेड एनर्जी में हैं? आप किसी तरीके के डिसअपॉइंटमेंट के अंदर हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, मैं तो चीज़ों को इतना ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, देन वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद मी अगेन एंड अगेन। मैं यहाँ पर ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड नहीं फील कर रही हूँ, मैं यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड फील कर रही हूँ उसको, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो ऊर्जाएं हैं वो कुछ इस तरीके से है कि हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि फाइनली बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है आपके जीवन में। बट इस फुल मून की जो ऊर्जा है वो आपको क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है कि जितने भी ओवर थिंकिंग नेगेटिव एस्पेक्ट आपके जीवन में चल रहे थे, चाहे फिर वो किसी तरीके की पैसे की तंगी थी या किसी तरीके की उलझन थी, आप तो लोगों को बहुत अच्छे से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर लोग आपको गलत समझ रहे हैं, लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं और आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर के, जबकि आपका बिहेवियर नहीं है, ठीक है, आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, ना करना पसंद करते हैं, आप चीज़ों को इग्नोर करना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप डिसअपॉइंटेड थे या आप किसी चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, फाइनली ये फुल मून की जो ऊर्जा है आपके जीवन में क्या लेकर आ रही है, ये फुल मून की ऊर्जा आपके जीवन में मनी से रिलेटेड शिफ्ट लेकर आ रही है। मैं प्यार से रिलेटेड शिफ्ट नहीं देख रही हूँ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर देख रही हूँ मनी से रिलेटेड ऊर्जा का एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट। अब देखिए, नाइन ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ होलसम कार्ड। मतलब ये एक ऐसा इकलौता किंग है जिसके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, इसके अंदर भर भर के पॉजिटिविटी छुपी हुई है। आप पैसे से ले लो, बिहेवियर से ले लो, प्यार से ले लो, किसी भी चीज़ से ले लो, दिस पर्सन इज़ लाइक ये एक ऐसा इंसान है जैसे कि मैन ऑफ ड्रीम होता है ना, बस वो वाली बात है यहाँ पर। तो ये चीज़ आपकी रियलिटी बनने वाली है। दिस बिग शिफ्ट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन में अगर मनी रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, प्यार और इमोशंस रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रखे थे या आप किसी चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे थे और आप सोच रहे थे कि डिवाइन आपको कब आंसर करेंगे चीज़ों से रिलेटेड, फाइनली नाइन ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर विद द किंग ऑफ पेंटिकल। दैट मीन्स आपके जीवन में शिफ्ट आ रहा है मनी को लेकर के। कोई तो ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई तो ऐसी यू नो क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ के अंदर इस फुल मून के बाद, जिसकी वजह से आप अपने मनी को इन्हांस करेंगे। कुछ लोग मुझे इस फुल मून के बाद बिजनेस के अंदर जंप करते हुए नजर आ रहे हैं, शेयर मार्केटिंग हो गया, कुछ मार्केटिंग डिजिटल रिलेटेड, ठीक है, कुछ डिजिटल जिसके अंदर मार्केटिंग शामिल है, दिमाग लगाना शामिल है, कुछ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। नाइन ऑफ कप्स की ऊर्जा विश फुलफिल करेगी आपकी और किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आपके लाइफ के अंदर मनी को इन्हांस करने वाली है, ठीक है।
ऑल दो यहाँ पर माइंड का कार्ड है, यानी कि जैसे ये फुल मून लगेगा ना, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, बहुत सारी ओवर थिंकिंग करेंगे आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन इस ओवर थिंकिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को शांति में देखेंगे। और इस फुल मून के बाद से जो 15 दिन रहेंगे, जब तक न्यू मून नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक आप अपने आप के साथ एक प्यारा सा रिश्ता, एक प्यारी सी हैप्पीनेस महसूस करेंगे। तीसरा कार्ड है यहाँ पर कॉन्शियसनेस, आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने वाले हैं। तो पाइल नंबर टू पीपल, बिग शिफ्ट जो आ रहा है आपके जीवन में वो आ रहा है मनी रिलेटेड, ठीक है। नाउ लेट मी चेक व्हाट अदर यू आर मैनिफेस्टिंग, और क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्लोजर मैंने बोला ही था, क्लैरिटी, लाइफ पर्पस, यहाँ पे भी फुल मून है, फाइनेंशियल हेल्थ एज आई टोल्ड यू गाइस, वन मोर कार्ड हीलिंग, आप खुद हील होंगे, लोगों को हील करेंगे, ठीक है, आपको क्लोजर मिलेगा क्या सही है क्या गलत है, आप अपने लाइफ पर्पस को देख पाएंगे और भर भर के फाइनेंशियल हेल्थ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्थ जो है आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस दौरान, और ये जो फाइनेंशियल हेल्थ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, ये आपको ऊर्जा से भर देगा, ठीक है, ऊर्जा से भर देगा। और एक बिग मेजर अरकाना हैंग्ड मैन इन रिवर्स आया है, हैंग्ड मैन इन रिवर्स, इस रिवर्स को मैं लेना चाहती हूँ, यानी कि आप अपने जीवन में जो भी परिस्थिति चल रही थी, जो भी स्टकनेस थी, उस चीज़ से बाहर निकलेंगे और आप महसूस कर पाएंगे, आप देख पाएंगे कि आप कितने ज़्यादा शांत हैं या आप कितने ज़्यादा सही एनर्जी के अंदर अभी हाल फिलहाल चल रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर एडवाइस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यानी कि जो भी इम्पॉसिबल आपको लगता है उसके ऊपर बिलीव करना शुरू करें। ये समय है कि आप इस नेगेटिविटी को रिलीज करें। और एक कार्ड और, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। देखो मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ ना, पाइल नंबर टू पीपल, दैट कहीं ना कहीं जो ये फुल मून की एनर्जीज है ना, आपको ट्रिगर करेगी आपके अंतर मन के भाव को बाहर लाने के लिए। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, आप कैसे इंसान हैं जो ओवर थिंकिंग करना पसंद नहीं करते हैं, न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ से ना एक्साइटेड होते हैं ना बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ नश्वर है, टेम्प्रेरी है। बट अभी आप काफ़ी टाइम से ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि ये समय है, यहाँ पे भी देखो फुल मून है, फुल मून इन स्कॉर्पियो, यहाँ पे भी फुल मून है, कि ये समय है कि अब आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, बिलीव करना है कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं, और अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना है। भगवान आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रेज करने वाले हैं आपके जीवन में इस फुल मून के दौरान, और आपने सही चीज़ को तुरंत से पिक कर लेना है विदाउट एनी देरी, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, अपने आप को पिक करें, आगे बढ़ें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। और इस फुल मून आपको किसी एक चीज़ से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, वो भी मैं चेक कर लेती हूँ। नाइन ऑफ सोर्ड्स, स्लीपलेस नाइट्स के अंदर जाने से थोड़ा सा बचें, यानी कि मेरा कहने का मतलब है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जल्दी सोने की आदत होती है, लेकिन वो क्या करने की कोशिश करते हैं, जब स्ट्रेस में होते हैं तो कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी फ़ोन में चलाते रहते हैं, इस एनर्जी से थोड़ा सा बचें, ठीक है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली हैबिट को अपनाने की कोशिश करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। जिन लोगों ने भी वो बहुत ही खूबसूरत सी इमेज को पिक किया था, उस इमेज की एनर्जी यही है कि आप अपने रस्तों को, जो हर्डल से भरे हुए रस्ते हैं ना, उनको आप पार कर पाओगे और उन माउंटेन्स पर डेफिनेटली पहुंच पाओगे, चाहे कोई रास्ता बने या ना बने। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है इस चीज़ का। ओके, सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे कॉर्नर रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हैप्पी फुल मून।